वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 1 अगस्त 2019। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से न्यूज एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 के बारे में है, जिसे पॉपुलरली ट्रिपल तलाक बिल भी कहा जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट या न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में इस बिल को राज्यसभा में पास किया जा चुका है। लोकसभा में ये पहले ही पास हो चुका था। राज्यसभा में पास होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा में सरकार की मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी ना होने के बावजूद राज्यसभा में इस बिल को सरकार पास करवा पाई क्योंकि कई सारे विरोधी दल उस समय राज्यसभा में अनुपस्थित रहे, और इसी वजह से 99 और 84 की वेटेज से ये बिल पास हो गया। मतलब 99 वोट्स इस बिल के समर्थन में पड़े और 84 वोट्स इस बिल के विरोध में पड़े। अंतिम रूप में अब ये कहा जा सकता है कि ये लगभग तय है कि ये कानून बन जाएगा, बिकॉज अब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर की औपचारिकता मात्र ही रह गई है, बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये जो बिल है ये महिलाओं को जेंडर इक्वलिटी और जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करवाएगा। ऑब्जेक्टिव इस बिल का ये है कि महिलाओं को तलाके इबादत की प्रैक्टिस से बचाया जा सके, जिसे एक एट्रोसिटी माना जा रहा है, जो कि एक्चुअली में है भी, जिसमें एक मुस्लिम मेल 3 बार तलाक शब्द को प्रोनाउंस करता है और इसे तलाक मान लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, यूजुअली वोकली इस शब्द को प्रोनाउंस किया जाता था, लेकिन हाल के दिनों में कुछ केसेस ऐसे भी आए जिसमें एक पुरुष ने लेटर पे 3 बार तलाक लिख दिया, या फिर 3 बार तलाक लिखकर व्हाट्सएप कर दिया, या एक वॉइस मैसेज 3 बार तलाक बोलकर कर दिया और तलाक डिक्लेयर कर दिया गया। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। ट्रिपल तलाक के इस प्रैक्टिस को इस कानून के तहत वॉइड और इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जब तक प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक हम इसे एक्ट तो नहीं कह पाएंगे, बट ये जल्दी ही एक्ट में तब्दील हो जाएगा। इस कानून के तहत ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को एक पनिसेबल ऑफेंस भी बताया गया है, जिसमें उस व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और फाइन हो सकती है। इस पर भी काफ़ी अपोजिशन पार्टीज विरोध कर रही थी। उनका मानना था कि इस प्रैक्टिस को एक सिविल ऑफेंस बनाया जाना चाहिए, ना कि एक क्रिमिनल ऑफेंस। खैर, ये बहुत ही सख्त प्रावधान है और अगर कोई व्यक्ति इस प्रैक्टिस को ऑप्ट नहीं करता तो उसे इन प्रावधानों से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें अगर किसी महिला के खिलाफ ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया गया है और केस चल रहा है तो उस पुरुष को सबसिस्टेंस अलाउंस भी पे करना होगा महिला के लिए और डिपेंडेंट बच्चों के लिए इस कानून के तहत। हालांकि एक आर्गुमेंट यहाँ ये भी निकल के आता है कि अगर मान लीजिए उसे 3 साल की जेल दे दी गई उस व्यक्ति को, तो फिर वो सबसिस्टेंस अलाउंस कैसे पे करेगा, ये भी एक आर्गुमेंट आता है। यहाँ पर देखिए, इस ऑफेंस को ऐसा बताया गया है कि अगर ऐसा कोई केस कोई महिला पुलिस ऑफिसर्स के सामने लेकर जाती है तो उसे संज्ञान में लिया जाए, केस दर्ज किया जाए, और केस दर्ज किए जाने के बाद तब तक उस पुरुष को बेल नहीं मिलेगी जब तक कि उस महिला की प्ली को या उसकी बातों को जो मजिस्ट्रेट हैं वो बुलाकर सुन ना लें। उस महिला की बात को सुनने के बाद ही जो मजिस्ट्रेट हैं वो बेल ग्रांट कर सकते हैं उस पुरुष के लिए, उसके पहले नहीं। इस पूरे क्राइम को कंपाउंडेबल बनाया गया है। कंपाउंडेबल होने का मतलब ये है कि अगर बातचीत और सहमति से मुद्दा सॉल्व हो जाए तो सॉल्व कर दिया जाएगा। सपोज करिए कि जो वो मुस्लिम मेल है वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि नहीं, वो इसे वैलिड नहीं मानेगा और ट्रिपल तलाक ये जो उसने प्रैक्टिस की, या फिर उसने बोला, उसने गलती से बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, किसी और वजह से बोल दिया और अब वो इससे पीछे हटना चाहता है, तो फिर आपसी सहमति से मुद्दे को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। क्योंकि सही भी है, कंपाउंडेबल बनाना भी कानून को ज़रूरी था। विवाह या संबंध एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, अगर बातचीत करके मुद्दे सुलझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, सुलझाने का रास्ता जरूर होना चाहिए। फर्दर, जो मुस्लिम वुमेन है उसे सुने बिना बेल मजिस्ट्रेट ग्रांट नहीं करेंगे, ये प्रावधान बहुत अच्छा किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हमने ट्रिपल तलाक बिल के बारे में समझ लिए। देखते हैं अगला आर्टिकल, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को अभी लोकसभा में पास कर दिया गया है, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट। इस बिल के जरिए जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी का निर्माण किया गया है और कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर किया जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। अभी देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 का कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने की कोशिश करता है। बहुत पुराना कानून है, समय में बदलाव आ चुका है, कई तरीके के नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन कानून अभी भी पुराना है, तो एक नए कानून की आवश्यकता थी। इस बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का निर्माण करेगी, जिसका उद्देश्य यह होगा कि वो कंज्यूमर्स के राइट्स को इन्फोर्स करें, प्रमोट और प्रोटेक्ट करें, और इस अथॉरिटी को इन्वेस्टिगेशन करने का, रिकॉल का आदेश देने का, रिफंड का आदेश देने का और पेनल्टीज लगाने का अधिकार होगा। अगर कोई प्रोडक्ट खराब है तो कोर्ट यह आदेश दे सकता है, या फिर ये जो अथॉरिटी है, कोर्ट हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, उसके पास ये अधिकार है कि वो कंपनी को आदेश दे कि वो अपना सामान वापस मंगाए, दूसरा सामान भेजे, या फिर कंज्यूमर अगर अपना रिफंड चाहता है तो रिफंड दे, और नहीं तो फिर पेनल्टीज भुगते। इसके इतर इस बॉडी के पास या इस बिल के तहत कुछ जो
अगर कुछ कंज्यूमर राइट्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस को वायलेट किया जा रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही हैं, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स शो किए जा रहे हैं, वो मेरिट्स बताए जा रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में जो एक्चुअली में उसमें है ही नहीं, तो वहाँ पर भी सजा के प्रावधान हैं या फिर पेनल्टीज के प्रावधान हैं, सख्त प्रावधान किए गए हैं ताकि डिटरेंस क्रिएट किया जा सके। इसके इतर एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी डेवलप किया गया है, मीडिएशन सेल्स डेवलप किए गए हैं कंज्यूमर फोरम में ही, ताकि अगर जो कंपनी है वो अपने कंज्यूमर के साथ बातचीत करके मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहती है तो वो आराम से कर सके, केस खींचे नहीं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, ऑन द स्पॉट रिजोल्यूशन अगर हो जाए। देखिए, अगर संभव हो तो मीडिएशन का चांस देना चाहिए, अगर आपसी सहमति से कोई भी केस सॉल्व हो जाता है तो समय बचता है कोर्ट का भी और दोनों पार्टीज का भी, तो ऐसा रास्ता जरूर होना चाहिए। इसके इतर कंज्यूमर कमीशन को अप्रोच करने में आसानी हो, मेथड को सिंप्लीफाई किया जाए, इसका भी प्रावधान किया गया है। पहले होता यह था कि जहां से आपने प्रोडक्ट खरीदा है आप वहीं पर जाकर केस कर सकते थे, लेकिन इस बिल के तहत अब इसमें प्रावधान किया गया है कि आप अपने केस को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, तो अच्छा प्रावधान है ये। डिटरेंट पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है या फिर प्रोडक्ट को गलत तरीके से प्रोसेस कर रहा है तो वहां पर ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी ताकि वो एक मैसेज दे सके अदर लोगों को, ताकि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को ऑप्ट ना करें। इसमें देखिए नए जो इश्यूज हैं कंज्यूमर्स के, उनको भी इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, समय बहुत बदल चुका है, पुराने कानून में ये सारी बातें थी नहीं क्योंकि ये कॉमर्स प्रैक्टिसेस अपनाई नहीं जाती, जैसे ई कॉमर्स या डायरेक्ट सेलिंग। ई कॉमर्स आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है, जैसे आप अमेज़न और प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर बड़े आराम से चीज़ों को खरीद पाते हैं, तो वो तो ई कॉमर्स का पार्ट हो गया। डायरेक्ट सेलिंग भी एक मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई कंपनी बिना इमीडिएटर्स का सहारा लिए या फिर रिटेल प्रैक्टिसेस में जाए बिना ही वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जिसके लिए कई सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कंपनी ए है, वो अपना प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए वो या तो कई सारे एजेंट्स लगा देती है जो प्रोडक्ट को लेकर सीधे कस्टमर्स तक जाते हैं और बेच देते हैं, या फिर वो कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देते हैं, ई प्लेटफॉर्म जहां पर लोग जाके सीधे कंपनी से सामान खरीद सकते हैं, या फिर टेली शॉपिंग के आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा होता है, आपको एक नंबर दिया जाता है जिस पर आप कॉल करके सीधे प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग का ही एक पार्ट है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी पर भी बात की गई है कि अगर प्रोडक्ट में कोई डिफॉल्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बात को डिसाइड करेंगे और उसे ही कंपनसेट भी करना होगा जो कोई भी नुकसान कंज्यूमर को हुआ है। तो ये बातें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में की। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यही है कि ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो डेवलप किया जा रहा है, सपना ये देखा गया है या फिर प्लान ये बनाया गया है कि दुनिया की पहली ग्रीन सिटी होगी, बिकॉज यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्सेज जो एनर्जी के हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, लाइक विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। ये जो लोकेशन है ये अहमदाबाद के साउथ वेस्ट में है, यहाँ पर जो रेड सर्किल है मैप में ये है ढोलेरा लोकेशन, ठीक है। इसे डेवलप किया जा रहा है एक इन्वेस्टमेंट रीजन के तौर पर जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बगल में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा जिसका साइज सिंगापुर से भी बड़ा होगा। यहाँ पर वेरियस ऑफिसेस होंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार की जाएंगी, कनेक्टिविटी के कई सारे मेजर्स लिए जाएंगे ताकि एक डेवलपमेंट हब के रूप में इसका इस्तेमाल या इसे एस्टैब्लिश किया जा सके। इसे अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए एक 6-लेन एक्सप्रेसवे भी डेवलप किया जाएगा जो कि इसके सेंटर से होकर गुजरेगा। एक मेट्रो प्रोजेक्ट भी डेवलप किया जाएगा, मेट्रो चलाई जाएगी जो अहमदाबाद को ढोलेरा से और अदर लोकेशन से जोड़ेगा। इसे बिल्कुल इस तरीके से प्लान किया गया है कि कम्युनिकेशन अच्छा रहे, इसे वेरियस रीजन से कनेक्ट कर दिया जाए जो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं लाइक रेल, रोड, मेट्रो और पोर्ट। ढोलेरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है जो कि DSIR का ही पार्ट है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का ही पार्ट है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई ना कि एक रीजन डेवलप किया जा रहा है जहां पर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को बढ़ावा दिया जाएगा और कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाएगा, इसे एक डेवलपमेंट हब के तौर पर डेवलप कर दिया जाएगा। तो ये तो टॉपिक आपने ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के बारे में देखा, गुजरात में है ये लोकेशन, अहमदाबाद के साउथ में। तो अगला आर्टिकल TOI 270 के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने, यानी जिसे हम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसने हाल ही में एक ड्वार्फ स्टार और उसके प्लेनेटरी सिस्टम को खोज लिया है। नाम दिया गया है TOI 270। जो नासा का टेस्ट सैटेलाइट है उसे नासा के द्वारा भेजा गया है नए नए प्लेनेटरी सिस्टम्स की खोज करने के लिए। ये 300 लाइट ईयर्स के एम्बिट में जो प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं उनको खोजने का प्रयास करता है 4 हाई फ्रिक्वेंसी टेलीस्कोप्स के जरिए। खोजते कैसे हैं, अगर कोई स्टार है और कोई प्लेनेट जब उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है तो जब वो स्टार के सामने आता है तो वो ब्लैक स्पॉट की तरह ही उस स्टार के सामने दिखने लगता है। उसी से पता लगाता है टेस्ट कि यहाँ पर कोई प्लेनेटरी सिस्टम है अथवा नहीं है। तो जो TOI 270 है
वो उस डॉफ स्टार का नाम है जिसके चारों ओर तीन प्लैनेट सर्कुलेट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये जो TOI 270 है उसे अर्थ से 73 लाइट ईयर्स अवे खोजा गया है। जो मेंबर्स हैं इस प्लैनेटरी सिस्टम में उनको नाम दिया गया है TOI 270B, TOI 270C और TOI 270D। TOI 270A उस ड्वार्फ स्टार को ही मान लिया गया है। ड्वार्फ स्टार का नाम TOI 270 रख दिया गया है, जिसका साइज हमारे सन यानी कि हमारे सूरज से लगभग 40% छोटा है। और जो ये एक्सोप्लैनेट्स हैं ये काफ़ी नज़दीक हैं इस ड्वार्फ स्टार के, इसलिए अपना चक्कर ये बहुत जल्दी लगा लेते हैं। जो TOI 270B है वो महज 3.4 डेज में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। ये एक रॉकी प्लैनेट है, मतलब वहाँ पर चट्टानी है, जबकि TOI 270C 5.7 डेज में और TOI 270D 11.4 डेज में चक्कर लगाता है। ये मोर एंड लेस गैसियस प्लैनेट हैं, ठीक है। तो फीचर्स क्या हैं इन एक्सोप्लैनेट्स के? एक्सोप्लैनेट उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। TOI 270B ये इनर मोस्ट प्लैनेट है। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि इसका साइज अर्थ से 25% ज़्यादा है। ये हैबिटेबल नहीं है बिकॉज बहुत नज़दीक है ये अपने सन के। इनफैक्ट जो हमारा मरकरी है हमारे सोलर सिस्टम में, ये उससे भी 13 गुना नज़दीक है अपने सन के। बहुत गर्म है, वहाँ पे रहने लायक स्थिति नहीं है। हालांकि रॉकी प्लैनेट है। TOI 270C और TOI 270D ये नेपच्यून लाइक प्लैनेट्स हैं, मतलब इनका कंपोजिशन मेनली गैसियस है, रॉक्स वहाँ पर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी हैबिटेबल नहीं है। जो टेस्ट मिशन है ये MIT लेड मिशन है। MIT का मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य 300 प्रकाश वर्ष की दूरी के बीच में जो सोलर सिस्टम्स हैं उनका पता लगाना है। इसको इनिशियली 2 सालों के लिए लॉन्च किया गया था कि वो हर एरियाज में जाकर जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनकी खोज करे, सोलर सिस्टम्स का पता लगाए। हालांकि अभी इसे एक्सटेंशन दे दिया गया है। नासा का ये मानना है कि 2022 तक ये फंक्शन करता रहेगा और इसका मेन उद्देश्य नेपच्यून से छोटे ग्रहों की खोज करना है। टेस्ट की मदद से किसी प्लैनेट या किसी ग्रुप ऑफ प्लैनेट के मास, साइज, डेंसिटी और ऑर्बिट का पता लगाया जा सकता है। अगला आर्टिकल वेम्बनाथ लेक के बारे में है। एक ग्रुप ऑफ फिशरमैन ने अभी हाल ही में प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव कंडक्ट किया ताकि वो वेम्बनाथ लेक को प्लास्टिक फ्री बना सकें। प्लास्टिक की समस्या काफ़ी रहती है वेम्बनाथ लेक में। पोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण कॉज रहता है प्लास्टिक, इसीलिए ये न्यूज़ में है। देखिए, वेम्बनाथ लेक को वेम्बनाथ कयाल, वेम्बनाथ कोल, पुन्नामबडा लेक या फिर कोची लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये लार्जेस्ट लेक है केरला की और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। एक लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है इंडिया की, या रेल ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है जो कि इसी लेक पर बनाया गया है और इसीलिए उसका नाम वेम्बनाथ रेल ब्रिज भी रखा गया है। काफ़ी लंबा है, इसकी लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर की है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी वेम्बनाथ लेक में ऑर्गेनाइज की जाती है, जो आपने देखा होगा कई बार टेलीविजन्स में। एक बोट पे खूब सारे लोग बैठे होते हैं और नाव चला रहे होते हैं, वो रेस होती है बोटिंग की, लंबी लंबी बोट्स होती हैं, वो इसी वेम्बनाथ लेक में ही ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जो वेम्बनाथ लेक है उसे रामसार कन्वेंशन के तहत वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर किया गया है। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी इस वेम्बनाथ लेक के ईस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है और जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसके तहत भी ये लेक आती है। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो मेजर थ्रेट है इस लेक के इकोसिस्टम के लिए या इसकी पूरी बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो जो हाउस बोट्स हैं या फिर रिजॉर्ट्स हैं आसपास के, वो अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो ग्लास के जार या बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे रिसाइकिल किया जा सके। क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को आपने देखा होगा बहुत पतले प्लास्टिक होते हैं, उनको दोबारा रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता। उन्हें आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो कचरा ही बन जाते हैं। तो उसका नुकसान ना हो वेम्बनाथ लेक को, उसका पूरा प्रयास आसपास की कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इंडिया में टोटल 26 रामसार साइट्स हैं जिन्हें वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर किया गया है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड एक्चुअली में रामसार कन्वेंशन के तहत एक रजिस्टर होता है। जब कोई वेटलैंड बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, ऐसा महसूस होने लगता है कि इस वेटलैंड में बहुत तेज़ी से इकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं या आ सकते हैं, किसी भी वजह से, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है, तो उसे मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। मतलब अब उस पर स्पेसिफिक अटेंशन दिया जाएगा और इसे रामसार लिस्ट के तहत ही प्रिपेयर किया जाता है। करेंटली भारत की 2 ऐसी साइट्स हैं जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में हैं। पहला है केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान और दूसरा है लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। रिपीट करता हूँ, केवला देव नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान एंड लोकटक लेक ऑफ मणिपुर। चिल्का लेक को भी पहले रखा गया था लेकिन फिर उसे बाद में निकाल दिया गया था। तो ये बातें हमने वेम्बनाथ लेक और रामसार साइट्स के बारे में की। एक क्वेश्चन यहाँ पर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के ऊपर ही है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? आपको बताना है कि किस इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेट करता है। ऑप्शंस हैं कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन,
कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आप लोग जानते हैं रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, बी इज द करेक्ट आंसर, जो यहां पर भी बताया गया है। अगला आर्टिकल देखते हैं जो रिपब्लिक ऑफ बेनिन के बारे में है। मैप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बेनिन को सबसे पहले तो आप बड़े मैप में देख लीजिए, अफ्रीका में सिचुएटेड है, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ये जो शेडोड कलर है जहाँ पे बेनिन लिखा भी हुआ है, दैट इज़ द कंट्री। तो लोकेशन आपको यहाँ पे दिख गई। अब यहाँ पर थोड़ा बड़ी लोकेशन देख लीजिए, ये बेनिन है, पड़ोसी जो देश हैं वो है टोगो और यहाँ पर है नाइजीरिया, ईस्ट में है नाइजीरिया और वेस्ट में है टोगो, नॉर्थ में नाइजर और बुर्किना फासो बाउंड्री शेयर करते हैं बेनिन के साथ। न्यूज़ में ये इसलिए था बिकॉज अभी हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो बेनिन की विजिट पे गए हुए थे। एक्चुअली में जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ से हमारा कांटेक्ट बहुत कम ही हो पाता है, तो अभी इंडिया प्रयास कर रहा है कि उन देशों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर किया जाए। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जब वहाँ की विजिट पर गए तो इंडिया ने ऑफर किया था बेनिन को 100 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट को। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, सामान्य भाषा में आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि आप अच्छा अर्न करते हैं, आपका दोस्त है जो अच्छा अर्न नहीं करता, वो आपसे मदद भी नहीं मांगता, लेकिन आपको पता है कि हो सकता है इसको ज़रूरत पड़ जाए, वो कुछ काम करने वाला है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि इसे 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो दोस्त आपको बताएगा नहीं, आपको कंफर्म भी नहीं है कि 10,000 की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो आप अपने दोस्त को ऐसे बोल देते हैं कि देखो भाई 10,000 रुपये आपको जब मर्जी मेरे से ले लेना, मैं आपके नाम से निकाल दे रहा हूँ, आपको अगर 4,000 की ज़रूरत पड़े, 6,000 की पड़े, 8,000 की पड़े, जितनी की ज़रूरत पड़े आप बिना हिचकिचाए मुझसे मांग लेना, ले लेना, वो मैंने आपके नाम से निकाल दिया है। इसे ही कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। अगर 100 मिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बेनिन को इंडिया के द्वारा दी गई, इसका मतलब कि 100 मिलियन का अमाउंट बेनिन इंडिया से कभी भी ले सकता है। अब थोड़ा सा अंतर आता है कमर्शियल रिलेशन में, बिकॉज अपने दोस्त से आप तो इंटरेस्ट रेट तो नहीं लेंगे, लेकिन जब कमर्शियली ये काम किया जाता है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट पे करना होता है यूजुअली उस कंट्री को, लेकिन वो सिर्फ उस अमाउंट पे होता है जो वो लेता है। 100 मिलियन वो कभी भी ले सकता है, लेकिन अगर उसने 20 मिलियन लिए हैं तो उसे केवल 20 मिलियन पर ही इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। तो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट होपफुली समझ आ गया होगा। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को लॉन्च किया गया है, ताकि इनोवेशन की स्पिरिट को कम्युनिटी लेवल तक लेकर जाया जाए। ये जो प्रोग्राम है इसे नीति आयोग की एक फ्लैगशिप स्कीम अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अब देखिए होता यह है कि कम्युनिटी लेवल पे बहुत सारे या जो कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जिनके पास एबिलिटी है कुछ नया करने की, लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएगा, ताकि वो कुछ नया इनोवेट कर सकें, कुछ नया खोज सकें या कुछ ऐसा बना सकें जो इंडिया के लिए बेहतर हो। जैसे इंडिया में कई सारी मेडिसिंस अभी भी बहुत महंगी हैं, क्या बदलाव करके उन्हें सस्ता किया जा सकता है, या क्या नई मेडिसिंस डेवलप की जा सकती हैं किसी पार्टिकुलर बीमारी के लिए। इंडिया में सपोज करिए कि जो फोटो वोल्टिक सोलर एनर्जी है वो बहुत महंगी है, उसे कैसे सस्ता किया जा सकता है, क्या नया इनोवेशन उसके लिए किया जा सकता है। अब इसके लिए उस व्यक्ति को एक फोटो वोल्टिक सोलर सिस्टम का सेट तो चाहिए होगा ना, नहीं तो वो कैसे इनोवेशन करेगा। तो इसी चीज़ को या इनोवेशन के इकोसिस्टम को सोशली इंक्लूसिव बनाने के लिए समाज का हर हिस्सा उसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसीलिए कम्युनिटी लेवल पे इस अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स को 484 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टैब्लिश किया जाएगा। इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जाएगा। ये स्पेसिफिकली डिजाइन होंगे टीयर 1 मेट्रो सिटीज के लिए, ऐसे रीजन्स में जो थोड़ा कम डेवलप्ड हैं, टीयर 3 सिटीज में भी इनको डेवलप किया जाएगा। जो स्मार्ट सिटीज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जम्मू कश्मीर का रीजन है, रूरल और ट्राइबल रीजन्स हैं, वहां पर ये फैसिलिटीज दी जाएंगी, ताकि कम्युनिटी लेवल पर वहां पर भी इनोवेशंस हो सके। अगला आर्टिकल एक बिल के बारे में है जिसका नाम है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019। कॉन्टेक्स्ट यह है कि राज्यसभा में अभी हाल ही में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019 को पास कर दिया गया। अब ये है क्या, आपने फिर हेरा फेरी मूवी जरूर देखी होगी, इसमें आपको राजू का कैरेक्टर जो कि अक्षय कुमार का था हो सकता है याद हो। हेरा फेरी में जिन्होंने पैसे कमाए थे वो उन्होंने जाके एक स्कीम में लगा दिए थे, जिस स्कीम के तहत 21 दिनों में उनका पैसा डबल होने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो कंपनी भाग गई। ऐसी स्कीम्स को ही अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम या पोंजी स्कीम कहा जाता है, जिसमें फ्रॉड किया जाता है, लोगों का पैसा हड़प लिया जाता है और ऐसी कंपनीज भाग जाया करती हैं, जो बड़े बड़े वादे करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा फायदा देंगे, उसके लिए वो कंज्यूमर्स को बरगलाते हैं कि हम आपका पैसा इस कंपनी में लगाएंगे जिससे हमें बहुत तेज़ी से फायदा होगा, तो हम आपका पैसा भी इतने समय में ही डबल कर देंगे, 3 महीने में, 6 महीने में डबल कर देंगे, ऐसे वादे किए जाते हैं, फिर ऐसी कंपनीज फ्रॉड करके सारा पैसा लेकर भाग जाया करती हैं। ऐसी कंपनीज पर शिकंजा कसने के लिए ही इस कानून को लाया गया है। देखिए इसमें एक सब्सटेंटिव बैनिंग क्लॉज है, इसके तहत
ऐसी कंपनीज अब प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगी। पहले होता ये था कि ऐसी कंपनीज जब ऐसी प्रैक्टिस कर लेती थी फिर उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, अब ऐसी प्रैक्टिस को अलाउ ही नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी कंपनी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स नहीं ले सकती, वो ऑपरेट ही नहीं कर सकते, वो पार्टिकुलर जो एंटिटीज हैं उनसे खुद को रजिस्टर किए बिना ऐसी किसी भी स्कीम को लॉन्च ही नहीं कर सकते, जैसे कि इसके पहले उन्हें खुद को एडा, आरबीआई या फिर जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं से भी उनसे खुद को रजिस्टर करना होगा। जब तक वो खुद को ऐसी बॉडीज से रजिस्टर नहीं करते तब तक वो ऐसी किसी भी स्कीम को लॉन्च ही नहीं कर सकते। किसी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और एक्स एंटे बैन किया गया है, मतलब पहले ही बैन कर दिया गया है। पहले का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ को होने के बाद उन पर शिकंजा कसा जाता था या पनिश करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब ऐसी एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाएगा। कुल मिला के ये बिल एक प्रोहिबिटिव बिल है, ऐसी एक्टिविटीज़ हो ही ना इसका पूरा प्रावधान किया गया है। तीन डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। पहला ये है कि रनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, मतलब इलीगल तरीके से लोगों से डिपॉजिट लेना जिसके लिए आप अलाउड नहीं है। फ्रॉडलेंट डिफॉल्ट ऑफ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, कुछ रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स भी होती हैं जिसमें सरकार अलाउ करती है कि आप डिपॉजिट ले सकते हैं, जैसे आप FD भी तो करते हैं ना जिसमें 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, तो वो तो रेगुलेटेड हो गया। ऐसी कुछ और रेगुलेटेड स्कीम्स भी होती हैं उसमें भी अगर फ्रॉड किया गया तो वो इस बिल के एम्बिट में आ जाएगा। या फिर गलत तरीके से लोगों को इंड्यूस करना, अल्योर करना किसी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के बारे में, एडवर्टीजमेंट करना कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, अपना पैसा दीजिए, आपका पैसा इतने समय में डबल हो जाएगा या आपको 50% ज़्यादा पैसा मिलेगा महज 3 महीनों में, तो ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं किया जा सकेगा। काफ़ी हैवी पनिशमेंट के प्रावधान किए गए हैं, मतलब सख्त सजा का प्रावधान किया गया है ताकि एक डिटेंस क्रिएट किया जा सके। जो प्रोविज़न है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करता है बाद में उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा और जिन लोगों का पैसा डूबा है उनका पैसा वापस किया जाएगा। क्लियर कट टाइमलाइन दी गई है कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे जब्त करके उसे बेचा जाएगा और लोगों का पैसा कैसे चुकाया जाएगा, बहुत ही डिटेल प्रावधान किए गए हैं। जो क्रिएशन एक ऑनलाइन सेंट्रल डेटाबेस भी क्रिएट किया जाएगा, वेरियस स्कीम्स जहां से डिपॉजिट ले रही हैं उनका एक डेटाबेस होगा ताकि ये पता किया जा सके कि कहीं पर कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। यहां पर डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट को बहुत ही कंप्रिहेंसिवली डिफाइन भी किया गया है। डिपॉजिट टेकर को इस तरीके से डिफाइन किया गया है जिसमें सभी पॉसिबल एंटिटीज आ जाती हैं इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स। ऐसी बॉडीज जो लोगों को डिपॉजिट करने के लिए प्रे करती हैं या कहती हैं कि आप डिपॉजिट करिए, कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज़ को छोड़कर जिनको लेजिस्लेशन के जरिए अलाउ किया गया है कि डिपॉजिट ले सकते हैं। डिपॉजिट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, फ्रॉड डिपॉजिट कैसा होगा, जहां पर किसी भी व्यक्ति से झूठ बोलकर धोखा देकर उसका डिपॉजिट लिया जा रहा हो, रिसीट की जा रही हो, तो उसे एक फ्रॉडलेंट डिपॉजिट माना जाएगा जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला आर्टिकल ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के बारे में है, GHTC इंडिया के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि एक प्री बिड मीटिंग की गई, मतलब बिडिंग करने से पहले एक मीटिंग की गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने यह प्लान किया है कि वो 6 साइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर इंफ्रा को डेवलप किया जाएगा GHTC प्रोग्राम के तहत या इनिशिएटिव के तहत। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है उसमें इनोवेटिव हाउसिंग प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाएगा। अब GHTC इनिशिएटिव क्या है, जिसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, इसे एक फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था। कंपनीज को कहा जाएगा कि वो आएं, बिड करें और ये बताएं कि उनके पास क्या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो कम समय में अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप कर सकते हैं। जो हाउसिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको इनवाइट किया जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी को डेमोंस्ट्रेट करें और बताएं कि वो कितने कम पैसे में और कितनी अच्छी क्वालिटी के घर बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को, ये जो GHTC प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, इसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि देखिए सरकार का उद्देश्य बहुत बड़ा है, 1.2 करोड़ हाउसेस 2022 तक डेवलप करने हैं, लेकिन स्पीड बहुत कम है। इस स्पीड से तो सरकार अपना टारगेट अचीव कर नहीं पाएगी। सरकार चाहती है कि कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज आएं जो इनोवेटिव मेथड में तेजी से ये काम कर दें। इसके लिए 6 पार्टिकुलर साइट्स को भी चुना जाएगा। इन साइट्स को चुनने के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स इस पूरे प्रोग्राम के ये हैं कि जो कंपनीज इनोवेटिव आइडियाज को डेमोंस्ट्रेट करेंगी उन्हें 150 करोड़ रुपए एज अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट दिया जाएगा। 6000 घर अगर वो बना रहे हैं तो अगर वो ये तय कर पाते हैं कि वो बहुत ही सस्ते दाम पर तेजी से और बेटर क्वालिटी के अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाउसिंग डेवलप कर सकते हैं, तो चैलेंज इस बात पर भी फोकस करेगा कि जब घर बनाए जाएं या टेक्नोलॉजी को डेमोंस्ट्रेट किया जाए तो इस बात पर फोकस किया जाए कि जो घर बनाए जाएंगे वो अफोर्डेबल हों, सस्टेनेबल हों और तेजी से बनाए जा सकते हों। यहां पर हमारा सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।